लोगों को तो भोग रहा है तो कैसे भोग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आफ्टरनून नहीं हुआ है, इट्स 11:30। मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, बस एक क्विक झाड़ू लगाई, मैगी खाई, अपनी मैगी बनाई मैंने, फिर मैं कुछ व्लॉग्स देखने बैठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपना व्लॉग शुरू कर ही देना चाहिए, थोड़ा तो रेगुलरिटी बने, तो क्या पता एक दो सब्सक्राइबर और बढ़ जाएँ। तो अभी तो यही हाल है कि एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो मतलब ऐसा लगता है खुशी अलग होती है, खुशी अलग होती है, बढ़ो यार, सब्सक्राइब करो, बटन पे ऐसे क्लिक करो, उसको नोटिफिकेशंस को प्रेस करो। और इसके बाद ग्रूमिंग हो चुकी है, मॉपिंग होगी, डस्टिंग होगी, देखते हैं ऐसे ही घर में है। अब कितने बाहर के ब्लॉग्स लाऊं, कहाँ से लाऊं, और गर्मी देख रहे हो, बाहर बुरे हाल हैं, गर्मी के बुरे हाल हैं। मतलब मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि मई जून में क्या होगा, झुलस जाएंगे भाई। अब भी अप्रैल में इतनी बुरी हाल है, लू चलती है भाई। तो अभी यही सब घर के काम करते हैं, आप भी मेरा घर देखो, कनेक्ट करो मेरे से, पुराने व्लॉग्स देखो, बाहर के इतने सारे पड़े हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उस पर प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, तब तक इतना करो, फिर भी कोई दोबारा 3-4 दिन में बाहर के व्लॉग्स आ जाएंगे, नेवर नो। तो मिलते हैं आगे, फिर आपसे दिखाते हैं कि कैसा क्या दिन जा रहा है। सीधा नेक्स्ट डे है, मैंने कल व्लॉग शुरू कर दिया था, फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं शूट किया, सारा दिन ऐसे ही बिजी हो गई, कुछ खास हुआ भी नहीं। अब नेक्स्ट डे है, 10 बज रहे हैं, मैं जस्ट सो के उठी हूँ, आंखें खोली खोली है मैंने, वो भी एक मुझे कॉल आ गया था उससे मेरी नींद खुली। अभी मम्मी कहीं चाय बनाने, वो चाय लाएंगी, चाय पीऊंगी, फिर बिस्तर से उठूंगी। Later that same evening. नहा धो के रेडी हैं, शाम के 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं छोटी सी आउटिंग के लिए, मैं और मम्मी। ये शाम के टाइम में सारे बच्चे गली में नीचे खेल रहे होते हैं तो ये मोहल्ले की वाइब्स वैसे इस मामले में तो सही होती हैं। अच्छा, और ले मार पड़ रही हूँ, डराना तो जरूरी है ना। पूजा हो चुकी है शाम की और बस अभी निकलेंगे बाहर, जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद आप भी चलिए हमारे साथ घूमिए थोड़ा सा, हम भी थोड़ा घूम के आएंगे, टहल के आएंगे, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है तो घर में बैठे बैठे ना, क्योंकि मेरी मम्मी को भी घूमना बहुत पसंद है, अगर हफ्ते में ऐसा नहीं कि हर हमेशा कोई ट्रिप्स पे ही, बट अगर जैसे 2-3 दिन हो गया लगातार घर में बैठे बैठे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा डिप्रेसिंग उनको हो जाता है, डिप्रेशन से मैं आ जाती हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि एवरी सेकेंड और थर्ड डे उनके साथ कहीं वॉक पे चले जाओ, कहीं आसपास चले जाओ, थोड़ा बहुत भी चेंज के लिए चले जाओ। और मुझे तो अच्छा खैर लगता ही लगता है घूमना, तो मैं तो हूँ ही पागल घूमने के पीछे। हमारे यहाँ गई है बहुत ज़ोर से आंधी और करते 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 पहले हम लोग निकल रहे थे 7:30, फिर ये हुआ कि चलो पूजा कर लेते हैं अपने घर में, शाम की पूजा करके निकलते हैं, पूजा कर ली, उसके बाद मम्मी ने बोला अरे चलो एक काम करते हैं डिनर बना के चल लेते हैं, फिर तो जिस जहाँ एक्चुअली में जाना था फिर वहाँ के लिए तो लेट हो गए थे, वहाँ का प्लान किया कैंसिल। अब जो हमारे लोकेलिटी में ही है पास में, हम वहाँ जा रहे हैं, जा पाते हैं कि नहीं अभी भी देखो, निकलने के लिए मैं तो रेडी खड़ी हूँ स्टिल, बस पहुँच जाएँ कराएं, क्योंकि बोल दिया है बोली हुई चीज़ें हो जानी चाहिए, बाकी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कह सकते हैं, सोच सकते हैं, करना होना तो सब उसके हाथ में होता है, तो देखते हैं होपफुली जा पाए। अरे लेट फेवरेट वाली लोग कैल्शियम बोन के लिए बैंबी कुछ भी करेगा, शेयर तो कर दे, धीरे धीरे खा भाई, धीरे धीरे खा ले, many unbearable hours later.
ये एवरी वीकेंड हमारे पास सोता है, ये बैम्बी सो रहा है। 12:30 बज रहे हैं रात के और ये यहाँ पागलपंती चल रही है, हरियाणवी गानों पर डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है। गलत कर दिया मम्मी, वन मोर टाइम, आओ मिलो, शीलो शालो कच्चा धागा रेस लगा लो, एक ही बार होगा, आओ मिल आओ मिलो शीलो शालो कच्चा धागा रेस लगा लो, 10 पत्ते तोड़े एक बच्चा, ये रंगा बच्चा पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन वहां से लाई दो कंगन, कंगन गई रोड, नानी गई रोड, मुझको तो भोग रहा है डिस्टर्ब होगा उसको, 1 बजे हम आऊ बिलो शिलो चालू कर रहे हैं, सॉरी मैम मिस, दो बजे अच्छा अब नहीं करे, अब नहीं करे, मेरे बच्चे को लग रहा है बाहर कुछ, तुझे भी करना है, सही है, आओ मिलो शिलो चालू। नेक्स्ट मॉर्निंग बेटा आईब्रोज बने थे बच्चे, अरे कर दूंगी मैं, परफेक्ट बनेगी, एक्स्ट्रा निकालूंगी बस। Later. रुआवजा, गर्मियों का रामबाण, मेरी मम्मी एक्चुअली मम्मी को आज जाना है, ऑल ऑफ अ सडन मम्मी को ये पता चला कि उनको आज एक फंक्शन अटेंड करने जाना है शाम को सगाई का, और शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज बहुत मंथ से नवरात्रि से पहले से ही पार्लर विजिट नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, एंड ऐसे फेस से तो कंट्री इन जा सकते नहीं है कि जो फंक्शन है वो कंट्री इन में, तो मैंने फिर मम्मी का पूरा आईब्रो अपर लिप्स ब्लीच पैक सब किया कि थोड़ा बेटर कुछ लगे, थोड़ा देखने में बेटर लुक आए, एंड काफ़ी क्लियर क्लीन लुक आया भी है, तो उसी सब में आज का दिन निकल गया। एंड मम्मी जाएंगी सगाई में संडे को, फिर शादी है तो संडे को मैं जाऊंगी, एंड हाँ बस अभी हम मैं अपना रूह अफजा इंजॉय कर रही हूँ। बैम्बी को भी इसी बीच दोपहर में मैंने पानी से नहला दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और यही सब हो रहा है बस। नाउ शी इज़ गेटिंग रेडी एंड आई एम नॉट गोइंग, आई विल बी एट होम बिकॉज आई एम टायर्ड ऑल्सो, एंड आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस व्लॉग्स इफ़ यू हैव वॉच्ड माई व्लॉग्स that I have resigned from the previous company, and the interview that I gave for the work from home only, that for the first time it happened in 4 years, first time I faced rejection, and yeah maybe because the interviewer also said at that day that interview is good, your communication skills are good, your experience is good, maybe what I felt is that maybe in work from home companies are not giving that much salary package, and yeah maybe the salary package is only the matter of concern here if I'm not selected there, what I feel, maybe they didn't give me any particular reason, I even asked them that may I know the reason, so they said just like that ma'am, but today also that person said your communications skills are really good, so you keep trying, maybe it's sometimes the stars are not in favor, it's just that. So don't be disheartened, and I am not at all disheartened because I know I resigned because if I am working hard, I want my money, I want my hard earned money properly with respect, and it's I can sit idle, I can sit at home, I can enjoy with my family happily, and now I'm again hunting, and it's not hunting, I'll easily get the one, I know, it's only that I'm looking for work from home, मेरे बस लालच इतना ही है, अदर वाइज इफ इट इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस आई एम हैविंग 2-3 ऑप्शन इन माई हैंड राइट नाउ, सो नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन
and now I will like whatever 2-3 options I'm having for work from office, I'll rely on those options only. Work from home won't give me the permanent thing and, you know, the satisfaction that I am looking forward. So yeah, whatever happens, happens for a reason. Now it's 6:10, Nanu is coming again. And now around 7:30, my Nanu will leave for the function. And then me and Bambi will chill at home. I am not in the mood, I'm again in a lazy mood. I don't know why, today I'm in a very, very, very lazy mood. I don't want to do anything. So we will binge watch TV, we will eat something, we will sleep. And me and Bambi will enjoy each other's company. So yeah, this was one of the things that I thought I should share it with you all. When I'm sharing everything, the vlogging means whatever is happening in your life, you have to share that. You have to be true to whatever you are doing. Then only you will grow. And subscribe karo na yaar. Ye to Hindi mein hi feel aati hai. Subscribe karo, like karo, comment karo. Comments mein comments open kyun hai? Aao comments mein batao vlog kaisa lag raha hai? Kya improvement karni chahiye? Kya cheez dekhoge? कुछ रिक्वेस्ट्स करो अपनी. एंड ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे. ऐसे ही बढ़ते हैं, मतलब ठीक है. जो लोग एकदम होते हैं, कुछ लोगों के सितारे अपने नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे. आप लोगों ने ही साथ देना है. जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जब तक मैं इंस्टाग्राम पर जाके स्टोरी पर अपडेट ना करूँ कि ब्लॉग आ गया, तो उन लोगों को भी पता नहीं चलता. देखो भाई, और जो देख रहे हैं वो जुड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस बेल आइकन प्रेस करो, कर दो. बाकी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी, किसी को भी फोर्स नहीं करूँगी. बट हाँ, अगर देख रहे हो वीडियो, देखा है तो एक लाइक प्रेस कर दो. और इनिशियल स्टेज में ना ये बहुत मोटिवेशन देता है. खैर ये तो सबको ही देता है, एंटायर लाइक कितने भी सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो जाएंगे, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो खुशी देगी ही देगी. बट इनिशियल स्टेज पर ना बहुत मोटिवेशन तो छोड़ो, एक वो एक रिदम देता है कि हाँ चलो भाई व्लॉग बनाते हैं, वरना कोई मोटिवेशन ही नहीं आता, मैं सच में बता रही हूँ. और मैं तो ये इसलिए भी कर रही हूँ कि मेरी मेमोरीज मेरी फैमिली के साथ सेव हो रही हैं, तो लाइफ में आगे जाके कभी मुझे देखना होगा तो मैं अपने ही व्लॉग्स देख सकती हूँ. मेरा मेजर 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 रीज़न ये है व्लॉग्स बनाने का. एक वो तो है ही है कि जब मैं बना रही हूँ तो आप लोग देखो, अप्रिशिएट करो, थोड़ी फैमिली बढ़े हमारी. लेकिन अगर आप नहीं भी देख रहे हो या पसंद नहीं भी आ रहा है, आई नो बहुत आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई है और बहुत से ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं टच भी नहीं कर सकती, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर फील्ड, इन दिस फील्ड ऑफ ब्लॉगिंग. बट ठीक है, अगर आप सिंपलिसिटी पसंद करते हो, किसी की लाइफ को देखना चाहते हो लाइक मेरी लाइफ को देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर दो. अगर देख ही रहे हो तो कर दो लाइक, कर दो कॉमेंट, कर दो. बाकी आपकी मर्जी है, यू आर द सुप्रीम. ऑडियंस इज एवरीथिंग. चलो फिर, कुछ होता है तो मैं आगे मिलती हूँ, अदरवाइज आई विल एंड माय व्लॉग हियर ओनली. दिखाना इधर कैमरे में, दिखाना सही लगा है. आंख दिखाओ. मैं खड़ी हो रही हूँ, चुन्नी लगा के. नहीं, फोटो नहीं खींच रही मैं, आंख दिखाओ. लाइनर सही लगा है ना? हाँ सही लगा है. चश्मा अच्छे से इंजॉय. हाँ हाँ, बढ़िया से, कोई बात नहीं, आराम से आना. हाँ, सब कुछ खा के आना, कुछ छोड़ना मत. हाँ, बाय, इंजॉय इंजॉय इंजॉय.